तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? केम छो बधा मजा माने? तो बधा ने गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो सबको बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। और आज तो मम्मी मॉर्निंग से कुछ बना रही थी, तो सबसे पहले तो वो देखते हैं कि नाश्ते में क्या बनाया है। क्योंकि जब मॉर्निंग में मम्मी सबसे पहले उठ के जो बर्तन का आवाज़ आए ना, तो समझ लेना कि कुछ बनाए। वाओ, बाजरी का वड़ा बनाए हैं और चाय। तो बाजरी का वड़ा हो और चाय हो तो बढ़िया वाला नाश्ता हो जाता है। तो सबसे पहले तो सबको बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। तो या तो देखो पिया सो रही है भैया विदा, तो गुड मॉर्निंग पिया। और अभी मम्मी जी गौशाला का कामकाज करने के बाद यहाँ सोए हैं, आराम कर रहे हैं। और मम्मी जी बात कर रहे थे कि वो दूध लाना है, वो सब कुछ। वैसे तो खेत में से निकला था, पर मम्मी जी बोलते हैं कि ये तो चलेगा नहीं। और वैसे भी हर साल एक दो ट्रॉली भर के, जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना, वो दो दो तो भर के लाते ही है। तो इस बार ये गाय भैंसों का जो पगार है ना, वो थोड़ा कम आया है। तो देखते हैं मम्मी को जो सरप्राइज़ देंगे कि थोड़ा बहुत जो यूट्यूब मनी आए हैं ना, वो उठा के कल या परसों थोड़ा सरप्राइज़ देंगे। तो अभी तो मम्मी जी रेस्ट ले रहे हैं। और ये है हमारे घर के ठीक बाजू में हमारे चाचा का घर है ना वहाँ। और यहाँ जब भी आते हैं ना, इतना ठंडा मौसम होता है ना। देखो अभी हम मनु और दोनों भैया गर्मी में ठंडे मौसम की मज़े लूट रहे हैं। अरे जड़े खींच रहा है मेरी। और यहाँ से हम दिखाते हैं अपने घर के पीछे का जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, वो देखो ये हमारा घर है, ये हमारे चाचा का घर है और ये उनकी गौशाला, वो सब कुछ है ना। अभी मनु उनको भेज रहे हैं हम विश्वनगर मार्केट में। और क्या है कि मार्केट में से जो आज का कुछ पार्टी का टाइम है, तो कुछ सामान लेने के लिए भेज रहे हैं। देखो पिया ने कुल्फी ला के दी है। और पार्टी करने के लिए, पानी पूरी बनाने के लिए देखो मम्मी जी काट रहे हैं प्याज और सारा का सारा सामान ला दिए हैं। देखो मिर्ची हमारे यहाँ बोए हैं मिर्ची के बीज, पर अभी छोटे छोटे हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ी हुई है नहीं। और अभी प्याज काट रहे हैं मम्मी। और इसे पूरी पूरी काटे कि नहीं, क्योंकि ये मशीन में डाल के काटेंगे। प्याज काटना बच्चों का खेल नहीं है। पहले तो ये ऐसा मशीन नहीं था, जब भी मम्मी ने काटते हैं ना तो रोए जाते और काटे जाते, पर अब तो ऐसा नहीं है। ये मशीन है ना, इसमें डाल देंगे और डायरेक्टली फटाक से कट जाएगी प्याज। और देखो पिया लाई है अपनी वाड़ी से टमाटे, सारे सारा पिया को ही काटना है, क्योंकि पिया का ही काम है प्याज वो सब कुछ काटने का। देखो पिया ने कितनी आसानी से काट दिया सबकी कल सभी प्याज। पटनायक दी प्याज काटते काटते तो पिया दो तीन बार रोई होती। देखो छोटी 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 हो गई है, और आलसू इतनी हो गई है ना कि ये टमाटे भी इसमें काटेगी। तो गणी आती तो ये लमरी तो बीजी हो घर में थी। अरे हम नाना नाना मस्त है। देखो टमाटे हमारे फेवरेट है। टमाटे कोई खाते तूने तो वजीर ना तो इन मामा के यार टमाटे थे ना, पर कोई खाता ही नहीं। और हमारे यहाँ तो एक एक करके काट दे दे। देखो
टमाटे प्याज सब कुछ काट गए हैं। और हमारी रसोईया देखो नीलम, नीलम कुछ काम नहीं करेगी, ओनली फॉर खाएगी। पैसे दिए और ये देखो हमारी केटीएम का किचन चांदी का है। देखो ये चाबी गुम हो जाती थी ना, उसका मेन रीज़न यही था। ये देखो ये किचन जो लगाने का जो ये है ना वो टूट गया था। इस बार हम विजयनगर गए थे ना मार्केट में, तो यही छेद करवा दिया। तो अब देखो अब नहीं गुम होगी। और ये किचन हमने हमारे फ्रेंड के यहाँ बनवाया था चांदी का। हमें बाइक का कुछ ज़्यादा ही लगावे बाइक के साथ, तो इतना प्यारे तो इतना तो कर ही सकते हैं। चांदी का किचन बनवाया है, KTM लिखा हुआ। भैया तो सब कुछ रेडी हो गया है। देखो पानी पूरी के लिए ये लास्ट में पिया ये मर्ची बैठ के डर रही है। पिया को ज्यादा ही कामचोर हो रही है क्योंकि हमें बोल रही है कि मैं नहीं करूंगी। देखो और देखो अभी ये बट्टे का आलू कंप्लीट पक गए हैं, तो इसे कुछ करना नहीं है, उसे छोड़ देंगे तो रेडी। ये चटनी और कब से बोल रहा हूँ कि जल्दी कर तो मैं पानी बना दूँ पानी पूरी का। तो क्या है कि पानी पूरी का पानी बन जाए ना तो ये फ्रिज में रखेंगे ना, तो ठंडा जितना ज़्यादा होगा उतना पानी पूरी टेस्टी लगेगी। चल भैया फटोफट। तो देखो चटनी बन गई है। मिर्ची इतनी तीखी है ना देखो, और पानी जितना तीखा होगा उतनी पानी पूरी टेस्टी। तो इतना डाला है ना चटनी जो भी खाएगा ना रोने लगेगा। तो चलो पानी को रख दिया है फ्रीजर में, तो जितना ठंडा पानी उतनी पानी पूरी टेस्टी। अरे बनाते बनाते मिर्ची इतनी तीखी है ना कि उसकी स्मेल चली गई ना नाक में, तो सर्दी हो गई। और मम्मी जी देखो दूध निकालने के बाद ये डेयरी में ले जाने के लिए डाल के रखे। ये लास्ट वाला काम बाकी था। देखो अभी हम घर के सारे लोग बैठ गए हैं आलू फोलने के लिए। देखो और अभी हम काट रहे हैं अपना टेबल, यूट्यूब स्टूडियो बनाने के लिए टेबल को ऊपर ले जाना है और जहाँ मेरा, तो इस टेबल को काट रहे हैं। तो देखो अभी हमारी पानी पूरी रेडी है और देखो हमारा रसोईया बैठ गया है एकदम तीखी। बहुत बनी थी ना, तीखी तो नहीं लगी। ओ मां मरचूला वालों वो हमारे से खुद से अलग, तो ये तो बोलती हमारा सीखू नहीं पन। तो जब नीलम बनाती है ना रसोई तो टेस्ट कुछ ज्यादा ही होता है। देखो नीलम के हाथ में जादू है, इतना मस्त बनवी जो हो बगड़ भी ना जो। और आज पार्टी टाइम। कशी ना पंपुडी तो नहीं जाता ना ना और वैसे तो ठंडी ही बनाते पर नीलम ने दोनों बनाई है। देखो गरम भी ठंडी भी आज कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। मैं बनाई है नहीं, 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 नहीं। ये रसोई तो पिया ने बनाई। सभी का सभी फेम नीलम को मिल गया था ना गलती। कोई नहीं तो इन बधु